मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है, अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए तैयार अक्षय कुमार अपनी फिल्म पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर को आज रिलीज करते हुए नजर आए। इस फिल्म के अंदर हमें मनुषी चिल्लर भी नजर आने वाली है। एक इंटरव्यू के दौरान अपने किरदार को लेकर मनुषी ने काफ़ी कुछ कहा। हालांकि उनकी ये डेब्यू फिल्म है, इसको लेकर वो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि पहली फिल्म उन्हें अक्षय कुमार के साथ करने को मिली और ऐसी पीरियड ड्रामा फिल्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। वहीं अपनी फिल्म के इंतज़ार के लिए वो ये कहती हैं कि काफ़ी समय से हम फिल्म पर काम कर रहे थे और आखिरकार अब ये रिलीज़ हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बॉलीवुड के अंदर मेरा डेब्यू इस तरीके से अक्षय कुमार और बड़े बड़े स्टार्स के साथ हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि मैं इतने बड़े स्टार्स के सामने अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। वहीं उन्होंने ये बात कही कि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, अब सब कुछ ऑडियंस के ऊपर है। मनुषी छिल्लर की बात करें तो मनुषी छिल्लर फिल्म के अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ नज़र आने वाली हैं। वहीं संयोगिता के किरदार के अंदर उन्होंने अपने आप को बखूबी ढाला है। फिल्म के अंदर जो ट्रेलर आया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है और उसके अंदर मनुषी छिल्लर का किरदार एक नंबर लग रहा है दोस्तों। अब देखना होगा कि क्या वो फिल्म जब सामने आती है उसके अंदर वो जस्टिफाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी अपने कैरेक्टर को। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है मनुषी और अक्षय की जोड़ी। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।